तकरीबन एक साल से ज्यादा हो गया है टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और एकता कपूर के बीच झगड़े की खबरों को, और अब भी इन दोनों के बीच वैसा ही मनमुटाव देखा जा रहा है। देखा जाए तो 7 जून 2018 को दिव्यांका और विवेक जब एकता के बर्थडे पार्टी में शामिल नहीं हुए थे तो पहली बार दोनों की लड़ाई की खबरें शुरू हुई थी। कहा जाता है कि दिव्यांका और एकता के बीच दूरियों और मनमुटाव की शुरुआत कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से हुई थी, जो कि बाद में बढ़ती ही चली गयी, जिसका असर बाद में एकता के पॉपुलर शो ये है मोहब्बते पर भी देखने को मिला था। खबरें थी कि एकता ने झगड़े की वजह से ही दिव्यांका को टीवी शो ये है मोहब्बते से निकाल दिया था, जिसके बाद शो की टीआरपी भी लगातार गिरती चली गई और एक टाइम के बाद शो में रमन भल्ला का किरदार निभाने वाले एक्टर ने भी शो को छोड़ दिया था। कहा जाता है कि ये सब एकता के इशारों पर ही हो रहा था, और इसी के बाद जब शो से दोनों स्टार की एग्जिट हुई और शो की टीआरपी जब बुरी तरह से गिरी तो 18 दिसंबर 2019 को शो बंद कर दिया गया। देखा जाए तो इससे पहले दिव्यांका और एकता के रिश्ते सुधरने की कोई खबर नहीं आई। इतना ही नहीं, जुलाई 2019 में जब दिव्यांका और विवेक एक फॉरेन ट्रिप पर गए थे और वहां से लौटकर विवेक बीमार पड़ गए थे, तब भी दिव्यांका ने इशारों में उन लोगों पर तंज कसा था जो वैसे तो अपनापन दिखाते हैं, लेकिन अस्पताल में उनके पति को देखने तक नहीं आए। कहा जाता है कि दिव्यांका का ये हमला एकता कपूर पर ही था। देखा जाए तो एक वक्त में दिव्यांका त्रिपाठी और एकता कपूर बहुत अच्छे दोस्त थे। आए दिन दोनों की लवली लवली फोटो सोशल मीडिया पर छाई भी रहती थी, लेकिन जब दोनों के रिश्ते बिगड़ते गए तो एकता कपूर के कैंप से दिव्यांका और उनके पति विवेक भैया दोनों का ही पत्ता कट गया, और यही वजह रही होगी कि कसौटी में जब एरिका के रिप्लेसमेंट के लिए दिव्यांका का नाम सामने आ रहा था तो दिव्यांका ने बिना वक्त गवाए इसे गलत खबर करार दे दिया, क्योंकि दिव्यांका इस बात को अच्छी तरह जानती है कि उनका और एकता का रिश्ता फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है कि एकता उन्हें अपने शो में बुलाए। वहीं बाद में शो के लिए विवेक भैया का नाम भी सामने आया। विवेक का नाम भी पार्थ समथान को रिप्लेस करने वालों में चल रहा था। विवेक पहले भी एकता के प्रोडक्शन हाउस में काम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी शायद विवेक की एंट्री पुराने बिगड़े रिश्तों की वजह से मुमकिन नहीं है। ऐसे में साफ है कि एकता और दिव्यांका के बीच की दूरी अभी तक नहीं मिट पाई, और लगता नहीं कि दिव्यांका या फिर विवेक में से कोई भी एकता के साथ जल्द कोई शो करता नजर आएगा। वैसे आप इस मामले पर क्या कहना चाहते हैं, बताइए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में।